वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट टू और क्वेश्चन नंबर वन इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है तो अगर इंट्रोडक्शन में कोई भी मसला है तो आप वीडियो को पिछले वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर आप लोक रेतम के बारे में कंप्लीट जान सकते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें क्या कहा गया है और हमें किस तरह इसको हल करना है तो राइट द फॉलोइंग इन दोक रेतम फार्म तो यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फार्म की सूरत में हमारे पास नंबर मौजूद है जिसे हम लोगों ने लोक रेतम फार्म में उसको लिखना है तो आप देख सकते हैं ये दो नंबर है जो कि एक एक्सपोनेंशियल ल है और एक हमारे पास सिंपल इंटीरियर है ठीक है मतलब सात को अगर दो मरतबा हम लोग ज़रब दे दें तो वो उनतालीस आएगा तो एक तरफ हमारे पास एक्सपोनेंशियल है और एक तरफ हमारे पास नंबर है तो सब सब में इसी तरह ही है और ये फार्म है हमारे पास किस चीज़ की, की लोक की तो हम लोग क्या करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो नंबर वन हमारे पास क्या है कि सात की ताकत दो है जो बराबर है उनतालीस के तो सोलूशन में हम लोग क्या करते हैं क्योंकि लोक में कन्वर्ट करना है तो आपने लोग्रेतम लाजमी लिखना है ठीक है लोगरेतम आपने एक्सपोनेंशियल में देखा होगा कि ये वाला जो नंबर है जो जिसके ऊपर पावर है तो ये क्या कहता है कि है ये बेस कहलाता है ठीक है तो बेस हमारे पास क्या होगा यहाँ पर लोग जब आप लिखेंगे यहाँ पर बेस को नीचे लिखेंगे ठीक है ये जो बेस है इसको लोगरेतम के नीचे लिखेंगे तो बराबर देंगे और ये जो पावर है आपने बराबर के इस तरफ यानी दाए तरफ आपने लिखना है और जो दाए तरफ है उसको आपने लोक के साथ ही लिखना है ये जो इसकी फॉर्म है ठीक है ये जो बेस है आपने लोक के बेस पे लिखना है ये जो पावर है आपने राइट की तरफ लिखना है और जो राइट right है उसको आपने लेफ्ट की तरफ लिखना है राइट right को पावर को आपने रिट की तरफ पावर को आपने राइट की तरफ जो नंबर है आपने इसको लेफ्ट की तरफ और ये बेस को आपने यहाँ पर लिखना है ठीक है मेरे ख़्याल में आपको समझ में आया होगा सवाल नंबर दो देखते हैं और आपको और भी क्लियर हो जाएगा दो की ताकत आठ जरबे दो सौ छप्पन पहले आपने क्या करना है सलूशन में कि लोग लिखना है जो बेस है यहाँ पर बेस क्या है दो है आपने दो को यहाँ पर लिखना है बेस में जो राइट है आपके पास उसको आपने लेफ़्ट की तरफ़ लाना है और जो पावर है आपने राइट right की तरफ ले जाना है देख ले बिल्कुल आसान है ठीक है बिल्कुल आसान है इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये बेस है बेस में आएगा जो राइट है ये जो राइट है ना दाए की तरफ आपने इसको ले आके बाएं तरफ ले आया यहाँ पर ले आया ठीक है और जो पावर है उसको आपने राइट की तरफ ले गया तो ये सिंपल इसकी फॉर्मेशन है तो सवाल नंबर तीन को भी देखते हैं ए, हमारे पास क्या है कि z की ताकत हमारे पास चार बट पाँच है और बराबर है एक के तो पहले आपने क्या लिखना है लोग लिखना है ठीक है लोग बेस क्या है आपके पास z है और एक जो राइट है उसको लेफ़्ट की तरफ और बाकी आपका बच जाएगा पावर को आपने राइट की तरफ लिखना है ठीक है तो नंबर चार है हमारे पास चार में क्या है कि ये है पाँच की ताकत मनफी तीन जो बराबर है एक बटा एक सौ पच्चीस के ठीक है तो पहले आपने क्या लिखना है लोग लिखना है जो बेस है यहाँ पर आपके पास पाँच है और जो राइट है उसको आपने लेफ्ट की तरफ लाना है और जो पावर है उसको आपने राइट की तरफ ले जाना है कितनी आसान है बस इसकी फॉर्मेशन को आप समझ लें ठीक है बाकी कुछ भी नहीं है तो नंबर पाँच है हमारे पास तीन की ताकत तीन और सत्ताईस के बराबर है तो सोलूशन में हम लोग क्या करते हैं लोग लिखते हैं बेस क्या है तीन है सतईस को बेस हमारे पास तीन है सताईस राइट है उसको लेफ़्ट की तरफ ले आना है और ये पावर जो है वो भी तीन है तो ये है इसकी जवाब देखिए सवाल नंबर एक ये कम्प्लीट उसकी आ, हमारे पास फॉर्मेशन है तो सवाल नंबर दो को भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अच्छा आप देख सकते हैं सवाल नंबर दो हमारे पास मौजूद है ठीक है तो सवाल नंबर दो में हमें क्या कहा गया है आप देख सकते हैं के राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी देख लें यहाँ पर हमारी जितनी भी सवाल है इसमें लोगरेतम फार्म है लोग 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 लिखा हुआ है तो इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फार्म में यानी कि रिवर्स करना है सवाल नंबर एक की तरह ठीक है सवाल नंबर एक को सवाल नंबर दो की तरह लिखना था अभी सवाल नंबर दो को सवाल नंबर एक की तरह लिखना है तो सेम टू तो सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे ठीक है तो नंबर एक हमारे पास क्या है लोग ऑफ आठ एक जो बराबर है ज़ीरो के तो बेस हमारे पास क्या है आठ है तो आठ को बेस लिखना है पावर हमारे पास क्या था राइट में. तो तो में तो ये है हमारे पास पावर तो वो बराबर है अभी बा हमारे पास क्या है एक तो ये है इसकी क्या है ठीक है नंबर दो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ रिवर्स करना है मतलब अगर इसको मैं रिवर्स कर लूँ ना पहले हम लोग क्या लिखते हैं लोग लिखते हैं ना तो बेस हमारे पास क्या है आठ है और जो राइट में है उसको हम लोगों ने लेफ़्ट पे लाना है एक को और जो पावर है हम लोगों ने राइट को देख ले यही चीज़ बन गया तो मैंने इसको रिवर्स किया है सिर्फ ये चीज़ बनाया मतलब इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है तो लोग ऑफ छः हैं एक्स है जो बराबर है पाँच के तो बेस क्या है हमारे पास छ हमारे पास बेस क्या है छ ये जो है पावर है ठीक है और जो बराबर है एक्स के मतलब ये है नंबर दो का और नंबर तीन में हमारे पास क्या है कि लॉग ऑफ चार चौंसठ बराबर है तीन के तो बेस हमारे पास क्या है चार है और पावर हमारे पास ये तीन होगा इस तरफ ठीक है और ये बराबर है चौंसठ के इसमें आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं चार को अगर तीन मरतबा ज़रब दे देना चार ज़रबे चार ज़रबे चार तो वो किस चीज़ के बराबर होगा चौंसठ के बराबर ठीक है मतलब आसान है ये फॉर्मेशन इसको सिर्फ बनाना है अच्छा नंबर चार हमारे पास क्या है नंबर चार में है कि log ऑफ सेवन वाई बराबर है दो के तो सोलूशन में क्या लिखते हैं बेस हमारे पास क्या है सात है दो पावर है ठीक है जो बराबर है वाई के ये जो बराबर है वाई के तो फाइनली हमारे पास नंबर पाँच क्या है कि log ऑफ पाँच जो चार है बराबर है एक्स के ठीक है तो बेस क्या है हमारे पास पाँच है आ, और पावर हमारे पास क्या है एक्स है और वो बराबर है चार की मतलब ये है हमारे पास इसकी जवाब तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं दोबारा इसको एक बार चेक कर सकते हैं वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं दोबारा देख ले और जहाँ जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ वहाँ पर आपने देखना है फिर भी अगर आपको जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं ठीक है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी और वीडियोज़ आने वाली हैं